आइडियल वेट एक महीने में कितना कम करना चाहिए? आइडियल वेट मैक्सिमम जैसे 4-5 kg। छोटी छोटी एक्सरसाइजेस हैं जो आप घर में कर सकते हैं, आप बगैर किसी मशीन के कर सकते हैं, तो वो जो कहते हैं स्किन लटक रही है ये वो उसको टोन करेगी। अक्सर मुझे मैसेजेस आते हैं कि थाइस बहुत फैट है, वो कम नहीं हो रहा। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, क्या हाल है आप लोगों के? ये तो मजाक था। जैसा कि मैंने आपको कहा था कि बहुत जल्दी मेरे चैनल पे ट्रेनिंग्स आने वाली हैं, फैट लॉस एक्सरसाइजेज आने वाली हैं, जिसको हम वेट लॉस बिल्कुल भी नहीं कहेंगे। मैंने आपको अक्सर बताया कि वेट लॉस नहीं होता, फैट लॉस होता है। अगर वेट कम करेंगे आपकी मसल्स भी कम होंगी, सारी चीज़ें कम होंगी। कई बार हम इन चीज़ों पर बात कर चुके हैं। इस वक्त मैं मौजूद हूँ जिमहोलिक में, नॉर्थ आजम में एक बड़ा ज़बरदस्त जिम है और उसके रुए रवां उसके मालिक मेरे प्यारे दोस्त दानिश मेरे साथ मौजूद हैं। दानिश क्या हाल है, कैसे हो मेरे भाई? शेकेंड होगा। हाँ सही बात है। दानिश बहुत ज़बरदस्त ट्रेनर है, खुद की फिजिक बड़ी अच्छी है, काफ़ी सारे लोगों का वज़न कम करवा चुके हैं, बॉडी से फैट कम करवा चुके हैं। दानिश सबसे पहले तो मुझे ये बताइए मेरे भाई कि जिम आजकल बंद है? जिम बस। स्पेशली आपने थैंक यू सो मच मेरे लिए ये किया कि जिम में मैं यहाँ पे शूट कर सकूँ। क्या कर रहे हैं आजकल? ऑनलाइन ट्रेनिंग करा रहे हैं, ऑनलाइन सेशन दे रहे हैं, क्या कर रहे हैं? ऑनलाइन ट्रेनिंग भी करा रहे हैं, अभी हमने होम ट्रेनिंग स्टार्ट की है, हमारे ट्रेनर जो है वो घरों पे जा रहे हैं ट्रेनिंग के। यार तो मेरे यूट्यूब चैनल पर करा दो ना होम ट्रेनिंग फ्री में मेरे सारे फैंस को। अच्छा मुझे दानिश ये बताएं तो वो कोई कॉन्टैक्ट नंबर अगर मुझे दे देंगे मैं नीचे लेके लगा दूंगा कि होम ट्रेनिंग आप जो करा रहे हैं, ठीक है? अच्छा दानिश, आज हम आपके पास इसलिए मौजूद हैं कि मैं चाहता हूँ कि आप ख्वातीन को, स्पेशली आज का टारगेट ख्वातीन है, ख्वातीन जो घर में रह के जो जिम नहीं जा सकती या जो अपना वक्त इतना नहीं निकाल सकती, घर में रोटी भी पकानी है, घर में यू नो बच्चों का ख्याल भी करना है, घर वालों का ख्याल भी करना है, हस्बैंड का ख्याल भी करना है, वो किस तरह से अपना वज़न कम कर सकती हैं। डाइट पर हम बात करते रहते हैं, एक्सरसाइज वाला जो सेक्शन है 5-10 मिनट अगर वो निकालती हैं अपने होम यू नो होम वर्कआउट करना चाहती हैं, इनफैक्ट बेडरूम वर्कआउट करना चाहती हैं, क्योंकि अक्सर घर में बड़े मसाइल होते हैं, तो वो क्या कर सकती हैं, आज हम यहाँ पे जानने के लिए मौजूद हैं। यार सही बात है आपकी कि लेडीज़ जो घर के कामों में मसरूफ है, स्पेशली रमज़ान में तो बहुत ज़्यादा बिजी हो जाती है, ये तो 15-20 मिनट भी अगर वो निकाल लेती है तो एक अच्छा सा बहुत बेहतरीन सा वर्कआउट कर सकती है। अच्छा तो आपके जिम में मैंने सुना बड़ी ज़बरदस्त फीमेल ट्रेनर्स हैं जो कि बहुत अच्छी एक्सरसाइज और वर्कआउट करवाते हैं। जी अमरीन है, आपसे मिलाते हैं अमरीन। चलें अमरीन के साथ फिर देखते हैं ख्वातीन के लिए क्या एक्सरसाइज है। हाँ आइए। तो अब हमारे साथ यहाँ पे मौजूद हैं अमरीन। अस्सलाम वालेकुम अमरीन, क्या हाल है आपके? अस्सलाम वालेकुम। अमरीन क्या बता रही हैं आज हमें? आप 5 मिनट वर्कआउट बताना है आपने, 5-10 मिनट जिसमें ख्वातीन फैट लॉस कर सकें घर में रहते हुए। जी बिल्कुल, तो सबसे ज़्यादा जिसमें हम कैलोरीज बर्न कर सकते हैं मैं वो स्टेप्स लेकर चलूँगी जो ईजीली फॉलो अप भी कर सकें, जो घर में बैठी हुई लेडीज़ हैं जो जिम आ नहीं सकती किसी भी रीज़न की वजह से, वो घर में ईजीली इसको करके अपना जो वेट है वो लूज़ कर सकती हैं, फैट लूज़ कर सकती हैं। तो बस ज़्यादा कुछ नहीं करना है इसमें, एंगल्स और पोस्चर का ख्याल रखना ज़रूरी है, और इसके अलावा आप इन्हीं रैप्स को 3 सेट्स बना के कर सकते हैं, ठीक है, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा कैलोरीज बन। अच्छा अमरीन एक छोटी सी पहले बात बताएं, इससे पहले हम अपनी एक्सरसाइज शुरू करें, मुझे एक बात बताएं आपके नज़दीक आइडियल वेट एक महीने में कितना कम करना चाहिए? आइडियल वेट मैक्सिमम जैसे 4-5 kg। जबरदस्त, महीने में 5-4 kg से ज़्यादा वज़न किसी सूरत कम नहीं करना। कोई कहता है कि अगर जल्दी वज़न कम करना है शादी आ रही है तो शादी में मोटे चले जाओ, लेकिन अपनी हेल्थ की ख्याल करो। इससे पहले एग्जैक्टली इससे पहले टाइम जाएगा हम लोग यहाँ आ जाते हैं, आप प्लीज़ एक्सरसाइज बताइए। आइए अच्छा जी ख्वातीन, तो अब एक्सरसाइज शुरू होने जा रही है। मैं अमरीन से पूछ लेता हूँ कि अमरीन बता क्या रही हैं, थोड़ा आराम से आपको समझाएंगे, जल्दी जल्दी म्यूजिक पे नहीं गुजार देंगे जो दूसरे चैनल्स पे होते हैं। अमरीन क्या कराने वाली हैं आप? मजीद वीडियोस देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को क्लिक कीजिए। किसी भी एक्सरसाइज को करने से पहले अपने डॉक्टर से ज़रूर मशवरा लें, हमारी एक्सरसाइज देख के कोई एक्सरसाइज करके अल्लाह ना करे इंजरी ना कर लीजिएगा, बाद में आप हमें ब्लेम करेंगे। तो पहले अपने डॉक्टर की सजेशन लें फिर एक्सरसाइज करें, ये वो एक्सरसाइज हैं जो नॉर्मल लोग कर सकते हैं, लेकिन अगर आपके साथ कोई भी हेल्थ कंडीशन है तो इन एक्सरसाइज को फॉलो ना कीजिएगा, ठीक है जी? हाई नीज करवाऊंगी, ठीक है वेट जाप, लेकिन जो नहीं कर सकती वो अपने कंफर्ट जोन से हटके नहीं करेंगी, मेजॉरिटी जो लेडीज हैं वो जंप नहीं कर सकती, ठीक है, ठीक है, वन लेग रेज करेंगे इस तरह से, ठीक है, और बाकी सब जंप के साथ, ठीक है। और जंप करना है तो किस तरह से करना है? ओके, इस
और ये एक्सरसाइज कितनी देर करनी है? 30 सेकेंड्स करनी है. 30 सेकेंड्स, देन 5 सेकेंड्स रेस्ट. ओके, शुरू करें. ये है इसका मॉडिफाई एंड जंप. ओके, एडवांस. ठीक है, लेट्स स्टार्ट. यस प्लीज. तो ये एक्सरसाइज हम तकरीबन दानिश 30 सेकंड्स के लिए कर रहे हैं और फिर 5 सेकंड गैप देंगे. ठीक है, और ये एक्सरसाइज जो है मुझे लगता है कि लेग्स पे बड़ा, लेग्स स्पेशली जो थाई फैट होता है, ये वार्म अप भी हो गया है इसमें, और ये फैट लॉस ये बर्न करता है बेसिकली ना, कैलोरीज बर्न हो रही है. कैलोरीज बर्न, कैलोरीज. हाँ, हाई इंटेंसिटी एक्सरसाइज, सही बात है, कैलोरीज बर्न होंगी, वेट जल्दी कम होगा. और ये छोटी छोटी एक्सरसाइजेज हैं जो आप घर में कर सकते हैं, आपको जिम जाने की जरूरत नहीं है, बगैर किसी मशीन के कर सकते हैं. आई थिंक 30 सेकेंड होगा. अच्छा, तो ये हाई नीज होगा. अब इसके बाद कितना गैप है? 5 सेकेंड. अच्छा, ये कौन से मसल पे ज़्यादा वर्क करेगी? लोअर, आपके जो थाइस हैं. हाँ, जिन खवातीन, अक्सर मुझे मैसेजेस आते हैं कि थाइस बहुत फैट है, वो कम नहीं हो रहा. मेजॉरिटी का जो मेन मसला है वो है लोअर, क्योंकि थाइस पे कंट्रोल अक्सर नहीं होता, ओवरवेट हो जाता है नीचे से. पेयर शेप होता है, ओवरवेट होता है, उस पर ही एक्सरसाइज बड़ा काम करेगी. नेक्स्ट क्या बता रही हैं? रिवर्स लंजेस. अच्छा, रिवर्स लंज में हम एंकल्स एंड पोस्चर्स का ख्याल जरूर रखना है. ठीक है, लाइक दिस. बैक जाते हैं, आपको नीज का ख्याल रखना है कि नीज आपके बियॉन्ड जो ना जाए. ठीक है, ठीक है. लाइक अगर आप ये कर रहे हो तो ये गलत है. ठीक, स्ट्रेट रहेगा, एंगल ऑन 90 डिग्री. मतलब आप आसान अल्फाज में आप कह रहे हो कि जब आप पीछे जाओगे तो आपका पैर सीधा रहना चाहिए, ये घुटना आगे नहीं निकलना चाहिए, 90 डिग्री एंगल. शुरू करें. यस. ठीक है, ये भी 30 सेकंड्स. यस, 30 सेकंड. ओके जी, स्टार्ट. नॉर्मली जो है ना, लड़कियों का जो थोड़ा फैट, नॉर्मली लड़कियों का फैट जो है वो थाइस पे ज़्यादा आता है, थाइस पे ज़्यादा आता है, पेट पे ज़्यादा आता है, तो लोअर बॉडी का ज़्यादा मसला होता है. वुमेन का जो है वो लोअर बॉडी. अभी मैंने लास्ट वीडियो में बात की, खवातीन के अक्सर मैसेजेस आते हैं मुँह कम ना हो, बॉडी कम हो जाए. मैंने बोला ये कोई साइंस नहीं है, जब कम होगा तो ओवरऑल कम होगा, खाली स्पॉट रिडक्शन नहीं होती. अब देखो, अच्छा वो बोलते हैं उस वक्त तो उनको तारीफें लोग करते थे कि चबी फेस है आपका, वो ख़राब हो जाएगा, इतने पतले क्यों हो रहे हो. मैंने बड़ी बड़ी मिसालें दी, शाहरुख खान पहले चबी फेस था, जब पैक्स बनाए पतला हो गया. वो मॉडल्स को चाहिए होती है उनका. एक्सरसाइज खत्म हो गई, 30 सेकेंड एक्सरसाइज हो गई, हम अपनी बातों में लग गए थे. तो ये 30 सेकेंड के बाद फिर 5 सेकेंड रेस्ट है. अच्छा अमरीन, तो मुझे ये बताएं लंजेस का फायदा क्या है? लंजेस सबसे ज्यादा जो मेन टारगेट कर रहा था वो आपके थाइस पार्ट्स. लंजेस में भी बहुत सारे वेरिएशन है. अभी जो मैंने किया रिवर्स लंज, ठीक है, इसमें आपके हैमस्ट्रिंग्स ऑफ कोर्स परफेक्ट आएगा इस तरह से. ठीक है, इसी में हम लेटरल लंजेस, फॉरवर्ड लंजेस और डिफरेंट टाइप ऑफ लंजेस. दानिश, जिन खवातीन का बहुत ज्यादा वेट है, मतलब खासी ओवर वेट है, 5 फुट हाइट है, 80+ वेट है, वो कर सकती हैं एक्सरसाइज? कर तो सकती है, लेकिन ये जैसे अभी ये शुरू में बता दी थी ना कि एक होता है जंप, अगर आप हाई नीज कर रहे हो तो नॉर्मली इनके जैसी कोई लड़की है तो वो जंप कर सकती है, लेकिन अगर ओवर वेट है तो वो फिर सिर्फ अपने लेग्स को अप करेगी, ना कि जंप करेगी. और हैवी वेट्स होते हैं ना, उनको जंप हम करवाते भी नहीं है, वो ठीक नहीं है. और स्पेशली अगर आफ्टर डिलीवरी अगर आप एक्सरसाइज करना चाह रही हैं तो अपने डॉक्टर से पूछे बगैर ये एक्सरसाइज ना करें, स्पेशली आपका सी सेक्शन हुआ है या अभी आपकी डिलीवरी हुई है, इवन एक साल भी हुआ है, जरूरी है उसके लिए, क्योंकि पोस्ट प्रेगनेंसी के बाद बहुत सारे और जो है वो प्रॉब्लम्स आ रही थी लेडीज़ को, जिसपे कौन सी एक्सरसाइज करने, कौन से स्टेप्स लेके चलना है, नहीं लेके चलना, वो उनको खुद को भी पता होना जरूरी है. मैंने अक्सर देखा यूट्यूब पे कोई भी चीज़ खोलते हैं और शुरू हो जाते हैं सर्च. एक्चुअली इट्स नॉट अ रिसर्च इंजन, इट्स अ सर्च इंजन. और आप कोई भी चीज़ सर्च कर रहे हैं ना तो बगैर रिसर्च के इस्तेमाल ना करें. थोड़ी सी चीज़ अगर आप पढ़ लेंगे या जान लेंगे, इस्तेमाल करेंगे तो आप किसी बड़े नुकसान से बच जाएंगे. वजन कम करने से ज़्यादा बड़े नुकसान हो सकता है. को ज़रूर कंसर्न किया करें, क्योंकि आपको नहीं पता वो किस एंगल्स और किस पोस्चर को कर रहे हैं, आप उस पोस्चर को फॉलो ही नहीं कर रहे. एग्जैक्टली, बस स्टार्ट कर दिया. अब मिसाल के तौर पर अगर मुझे अभी कोई खवातीन देख रही हैं, उनको यू नो पोस्ट प्रेगनेंसी एक्सरसाइजेस करनी है, तो वो आप लोगों को रब्ता कर सकते हैं, आप लोग ऑनलाइन ट्रेनिंग उनको करा सकते हैं, वो जिम वालिक को रब्ता कर सकते हैं, बहुत नॉमिनल फीस में अच्छी ऑनलाइन ट्रेनिंग करा सकते हैं, तो आप बिल्कुल रब्ता कर सकते हैं. अच्छा जी, तो दो एक्सरसाइजेज अभी हमारी हो गई हैं, अब थर्ड क्या है? बर्फी नहीं है, खाने की कोई चीज़ नहीं है, बर्फी ये भी हुआ, पीते पहले बर्फी, पहले बर्फी छोड़नी है फिर बर्फी करनी है. चलें आप बताएं बर्फी कैसे करेंगे. ठीक है, बर्फी बहुत ही ज़्यादा हाई इंटेंसिटी वर्कआउट मींस के एक ही स्टेप आपका ऐसा है कि जिसमें आपने अच्छी खासी कैलोरीज एक ही वक्त में बर्न करनी है, पूरे दिन में आप कोई भी वर्कआउट नहीं कर रहे हो तो सिर्फ 20 का सेट लगा लो बर्फी का. अभी फर्स्ट अटैम्प्ट में आपसे मतलब
वो नहीं हो पाएगा जो जॉम के साथ हम करेंगे। तो मैं मॉडिफाई स्टेप भी बताऊंगी आपको मॉडिफाई कैसे लेके चलना है, ठीक है। जो बहुत ज़्यादा हैवी वेट लेडीज हैं वो बर्पी नहीं कर पाएंगी क्योंकि इसमें जॉम सही है। और प्लैंक जाते हुए भी हमने ठीक है, तो आप पहले इसका हल्का वाला वर्जन बताएं। हाँ, मैं पहले और फिर बताऊंगी हाँ, उसके बाद जो एडवांस स्टेप है वो लेंगे। बिल्कुल ठीक है, प्लीज पहले मैं मॉडिफाई बता देती हूँ कि आपको उसको किस तरह से लेके चलना है। 15 सेकंड में वो बता देती हूँ, 15 सेकंड में मैं आपको हाई इंटेंसिटी जो यानी जो एडवांस लेवल का है वो कर रहा हूँ। रोल स्टार्ट डाउन यस राइट जी दानिश, इसके बारे में बताएं कुछ। राइट बर्पीज जो है ना ये एक्सट्रीम फैट लॉस के लिए बहुत अच्छी एक्सरसाइज है, बहुत फेमस और बहुत कॉमन एक्सरसाइज है, लेकिन बहुत इफेक्टिव है। अच्छा, बर्निंग पॉइंट ऑफ व्यू से तो बहुत इफेक्टिव है। मतलब जो हैवी वेट खवातीन है वो इस तरीके से कर सकती हैं, और एडवांस तरीका जो ये बाद में बताएंगी वो जो थोड़ा कम वेट है उनका वो। बिल्कुल, अभी जो ये बता रही है वो जो हैवी है जो पूरी तरह से जम नहीं कर सकती। यार मेरे पैक्स वैक्स बनवा दे भाई यार मैं भी लोगों को दिखाऊं, ये देखो मैं ट्रेनर हूँ, मेरे पैक्स हैं। लॉकडाउन खुल जाए यार, दुआ करो बस जिम खुल जाए। एग्जैक्टली, तो फिर ठीक है ये हमने हाँ सही है, थोड़ा टाइम कर लेते हैं क्या करें भाई। और जो हाई इंटेंसिटी है वो भी मैं आपको करके दिखा देती हूँ, वो कैसे करोगे ठीक है। पूरे 30 सेकंड करेंगी अभी 30 सेकंड नहीं करूँगी। चले वो ऑलरेडी बेचारी इतनी सारी एक्सरसाइजेस बता चुकी हैं, करें आप हाई इंटेंसिटी बता रही। मेरा ख्याल है लो इंटेंसिटी पे ही रहते हैं घर में, वरना अल्लाह ना करे कोई पाँव निकल गया तो फिर अस्पताल में ओपीडीज भी नहीं हो रहा है। ये बहुत ज़्यादा ओवरवेट है वो नहीं कर सकते, नॉर्मली कर लेते हैं लोग ठीक है। तो तीन एक्सरसाइजेज हो गए हमारी, सबसे पहली थी हमारी नी हाई नीज, दूसरी थी हमारी रिवर्स लंजेस, और तीसरी हो गई बर्पीस। अब चौथी प्लैंक होल्ड बेस्ट है। एक तो नाम इतने मुश्किल होते हैं ना एक्सरसाइज के, आराम कोई आसान बता देंगे भाई। प्लैंक होल्ड बताइए। इसे मैं प्लैंक होल्ड बता रही हूँ। अगर प्लैंक के उसमें जाएंगे डीप तो बहुत सारी वेरिएशन प्लैंक से आती हैं, ठीक है। अभी जो हम कर रहे हैं वो प्लैंक होल्ड है, बेस्ट है बॉडी टोनिंग के लिए। जब आप इतना ज़्यादा हाई इंटेंसिटी वर्कआउट करते हो इतने ज़्यादा फैट या कैलोरीज बर्न की, तो उसके बाद बॉडी को टोनिंग की भी ज़रूरत पड़ती है। सही, ठीक है। तो वो जो कहते हैं स्किन लटक रही है ये वो उसको टोन करेगी। ओ ज़बरदस्त। अगर आप अभी स्टार्टिंग में 10 सेकंड होल्ड करना भी मुश्किल होगा, लेकिन कोशिश करो 10, 20, 10, 30 फिर एटलीस्ट 1 मिनट तक लेके जाओ अपनी होल्डिंग। सारी चीज़ों की प्रैक्टिस से, तब तक प्रैक्टिस नहीं करोगे होल्डिंग नहीं कर पाओगे, ठीक है। तो लाजमी आपको प्रैक्टिस की नीड होगी, इसके लिए 20 सेकंड से स्टार्ट करो एंड देन। और कितने सेट 20 सेकंड का, कितने 3 20 के 3। अच्छा, बीच में गैप कितना? 5 सेकंड रेस्ट। प्लीज टाइम पीरियड जितना कम रखो उतना अच्छा, बॉडी को कूल डाउन होने नहीं दिया करो। सही, ठीक है। हाँ, ये नहीं कि एक एक्सरसाइज करके पानी पिया, बच्चे को दूध पिलाया और फिर साइड में गए डायपर चेंज किया, बैक टू बैक करनी है एक्सरसाइज। प्लीज बताइए फिर आपने इतना रेस्ट क्यों कर लिया। अभी मैं बता रही हूँ, मैं भी फुल आर्म बनाऊंगी, फुल आर्म प्लैंक, हाई प्लैंक, ठीक है। और उसके बाद एल्बो, तो अपने आपको कंफर्ट जोन में रहकर कर सकते हो, आप वो अटेम्प्ट करो। मैं तो थक गया। फुल आर्म प्लैंक इज मोर इजीयर, ठीक है। ओके जी, चलें आप बताइए फुल आर्म प्लैंक दिस, ठीक है। बॉडी को बिल्कुल एक लेवल पे रखना है, ठीक है। आप देखते हैं, नॉट लाइक दिस कि आपने अपने हिप्स अप कर लिए या बहुत ज्यादा बेंडिंग दे दी कमर पे, तो गलत एंगल है, गलत पोस्चर है, ठीक है। बॉडी बिल्कुल एक लेवल पे होगी, ठीक है। ये है फुल आर्म, अब इसी को फोर आर्म। सही, इस पे कोर पे बहुत अच्छा इफेक्ट आता है आपके, यानी कि एब्स। ओके जी, अच्छा इस पोस्चर में 20 सेकंड अपने आप को होल्ड करना है, ये एक्सरसाइज है बस। यस, अब करके देखो पता लगेगा कि होल्डिंग ही इतनी मुश्किल है। यार मैं ये ट्राई करना चाह रहा हूँ। ऐसा नहीं है कि ये करते हुए 20 सेकंड आप लोग क्या ब्रीथ करना रोक देते, नहीं ब्रीदिंग करनी है। ओके 20 सेकंड्स हो गए आप आपके लिए नहीं हुए, लोग तो बेचारे, ठीक है। ये मुश्किल है होल्ड करना भी 20 सेकंड्स भी। 3 सेट्स करने हैं इसके 20 सेकंड के, ठीक है। 20 के 3 सेट्स बनाओ, ओके। और उसके बाद कोशिश करो कि इसको 1 मिनट तक लेके जा सके। फिर 30 सेकंड के 3 बनाए, फिर एक मतलब कितने, एक अगले दिन ही से बढ़ाना शुरू करते हैं, कुछ दिन पहले वही करें? अगर पूरे दिन में जैसे कि हम 2 मिनट्स के भी प्लैंक होल्ड कर लेंगे, इसी तरह से डिवाइड कर करके टाइम, दानिश ये एक्सरसाइजेस करनी मतलब क्या है, एक महीने तक ये सेम रूटीन चलाना है या फिर चेंज वेंज करना है, क्या करना है? चेंज करनी चाहिए,
एक ही वर्कआउट आप इसको कंटिन्यू करते रहोगे तो बॉडी रिएक्ट करना बंद कर देगी। अच्छा अमरीन, अभी जो आप बता रही हैं एक्सरसाइज, ये कितने एक हफ्ते तक करें लगातार सेम टू सेम एक्सरसाइज दिन में एक बार? ठीक है, अभी बिल्कुल सेम इसी तरह से एक हफ्ते तक करता है कि एटलीस्ट आप फ्लेक्सिबल, ठीक है, जब आपकी बॉडी में एक फ्लेक्सिबिलिटी आ गई, अब आपने होल्डिंग में भी आपने एक तरह से अपनी ग्रिप बना ली कि आप इतने देर होल्ड कर सकते हैं, इसके बाद इसमें वेरिएशन नहीं करो। और उसके बाद एक हफ्ते बाद हम एक और वीडियो ले आएंगे नई एक्सरसाइज की, ठीक है, इसी में जब आपकी होल्डिंग अच्छी होगी तो आप इसमें वेरिएशन भी बहुत ईजीली कर सकोगे, हजारों वेरिएशन है प्लैंक में जिसमें आपके कोर पे या डमी पे बहुत अच्छा एब्स जो वर्कआउट है वो टोटल, अगर आप सिर्फ प्लैंक वेरिएशन के साथ लेके चलते हो तो बहुत जल्दी जबरदस्त। तो ये हो गई प्लैंक, इसको हमने जो है 20 सेकंड को तीन बार रिपीट करना है, खत्म हमारा पूरा रूटीन यहाँ पे एक्सरसाइज का। हाँ, बगैर इससे भी अगर इसमें थोड़ा सा और एडिशन कर सकते हैं आप, अगर इतना है स्टैमिना तो इसमें मैं एक और चीज बता देती हूँ, माउंटेन क्लाइंबर, ठीक है, उस पर भी आपकी टमी पे बहुत अच्छा इफेक्ट आता है ओवरऑल, मतलब लोअर बॉडी पे भी। प्लैंक के बाद करना, प्लैंक से पहले कर ले, प्लैंक से पहले कर ले, मतलब नंबर चार पे वो कर ले, पांच पे प्लैंक कर ले, ओके ओके, उसके बाद फिर आप लास्ट आप प्लैंक होल्ड कर ले ताकि सारे जो आपने किए वर्कआउट। माउंटेन क्लाइंबर्स पहाड़ी भाई, ये फ्लोर पहाड़ी, चले जी माउंटेन क्लाइंबर्स देखते हैं, ठीक है जी, आए हो गया, ठीक है, ओके। थर्टी थर्टी सेकेंड और पांच सेकेंड का वर्कआउट चलेगा, पांच सेकेंड का रेस्ट होगा, सही। तो ये 30 सेकंड माउंटेन क्लाइंबर्स, 5 सेकंड गैप, फिर आप प्लैंक्स करेंगे 20 सेकंड के, तीन सेट करेंगे लेकिन वो। हाँ ओके, तो ये हो गई हमारी 5 एक्सरसाइजेज, और अगर इनको डेली फॉलो करते हैं तकरीबन 10 मिनट निकालने हार्डली अपनी लाइफ में से, जिससे फ़र्क जो पड़ेगा डाइट फॉलो करने के साथ साथ, अगर इन चीज़ों को फॉलो करते हैं तो बहुत हेल्दी और रैपिड वेट लॉस होगा। बहुत अच्छा वेट लॉस है, क्योंकि 70% तो डिपेंड या फिर डाइट पे, ठीक है, डाइट करना जरूरी है और हेल्दी डाइट, यानी कि चीज़ें स्किप करते जा रहे हो, पोर्शन वाइज डिवाइड कर लो, पूरा दिन ही खा रहे हो तो पोर्शन वाइज बैलेंस डाइट लेके चलो, जो मैं आपको बताता हूँ। अच्छा, लेकिन मैं ये बोलता हूँ सिर्फ डाइट से वजन कम नहीं करना, एक्सरसाइज लाजमी करनी है, वरना क्या होता है डाइट से अगर आप अपनी कैलोरीज कम कर रहे हैं ना, जाते हुए एक बार फिर ये मैसेज है, 85 वीडियोस में मैंने आपको बोला है, आपकी मसल भी कम हो जाएगी, आपका फैट के साथ साथ आपकी मसल कम होगी, आपकी बोन डेंसिटी कम होगी, इसलिए डाइट के साथ आपने एक्सरसाइज करनी है। एक्सरसाइज जो आपकी मसल को ट्रेन करेगा, वो मसल आपकी जल्दी कैलोरीज बर्न करेंगी और आपका फैट कम होगा, वेट कम नहीं होगा। बहुत शुक्रिया अमरीन, दानिश बहुत शुक्रिया, आपके साथ तो मुझे और भी वक्त चाहिए और दूसरी एक्सरसाइज पूछनी अगली वीडियो में। अमरीन बहुत शुक्रिया, फिर आपको इंशाल्लाह तकलीफ देंगे अपने चैनल पे, आपने खासी अच्छी एक्सरसाइजेस बताई, वीडियो जरूर देखिएगा और आप भी फीडबैक दीजिएगा कैसा है। थैंक यू सो मच आज की वीडियो देखने के लिए, अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई तो प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन दबा दें ताकि आपको आने वाली वीडियोस का नोटिफिकेशन मिलता रहे। बहुत शुक्रिया, अल्लाह हाफिज़।